अमीषा पटेल फिर फंसी कानूनी मुश्किल में। 27 फरवरी को धोखाधड़ी के मामले में पेश होने का आदेश। गदर और गदर 2 की शकीना यानी एक्ट्रेस अमीषा पटेल और उनके बिजनेस पार्टनर एक बार फिर कानूनी मुश्किल में फंस चुके हैं। दरअसल पैसे लेकर फिल्म ना करने, धोखाधड़ी और चेक बाउंस के आरोपों का मामला रांची के सिविल कोर्ट में चल रहा है, जहां से अब एक्ट्रेस को 27 फरवरी को खुद उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट DN शुक्ला की कोर्ट में CRPC की धारा 313 के तहत दोनों आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा। ये मामला वर्ष 2018 का है। रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर एक्ट्रेस ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही अमीषा पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया गया। दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अनुसार जब फिल्म जून 2018 को रिलीज नहीं हुई तो अजय ने एक्ट्रेस से पैसे की मांग की। काफी टाल मटोल के बाद अक्टूबर 2018 में 2.5 करोड़ और 50 लाख रुपए के 2 चेक दिए जो बाउंस हो गए। इस मामले में अमीषा को उपस्थित होने के लिए कई बार समन जारी हुआ था, इसके बावजूद वह अदालत में खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित नहीं हो रही थी। वारंट जारी होने के बाद बीते साल 19 जून को उन्होंने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 10,000 के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।